हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स हब। आज का जो नोवेल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। और फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड को लिखा था थॉमस हार्डी ने, और ये जो नोवेल सबसे पहले पब्लिश हुआ था वो ईयर 1874 में हुआ था एक कॉर्नहिल नाम के मैगजीन में। अगर इस नोवेल के टाइटल की बात कर ली जाए तो फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड जो टाइटल है ये टाइटल लिया गया था एक पोइट्री से जिसका नाम था एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, जिसे लिखा था थॉमस ग्रे ने। तो वहीं से थॉमस हार्डी ने इस टाइटल को लिया अपने नोवेल के लिए। और ये जो स्टोरी का सेटिंग है इस पूरे नोवेल में वो इंग्लैंड के शहरों से दूर विलेज और रूरल सेक्टर जो है वेक्सेस नाम के जो जगह है उसको दर्शाता है। तो स्टोरी को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ मेन कैरेक्टर्स को देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला कैरेक्टर आता है गैब्रियल ओक। गैब्रियल ओक यहाँ पर हीरो है और साथ ही साथ वो एक फार्मर और शेफर्ड भी होता है जो बादशाह नाम की लड़की से प्यार करता है। आगे सेकंड कैरेक्टर जो है हम लोग देखते हैं वो है बादशाह एवरडेन। तो बादशाह जो है यहाँ पे मेन फीमेल प्रोटागोनिस्ट होती है जो 8 साल छोटी होती है गैब्रियल ओक से, और वो काफ़ी इंडिपेंडेंट टाइप की लड़की होती है और अपने डिसीजंस खुद लेती है लाइफ के सारे। थर्ड कैरेक्टर जो है वहाँ पे वो है सर्जियन फ्रैंकिस ट्रॉय। फ्रैंकिस ट्रॉय एक सोल्जर होता है जो अपने गांव वापस लौटा होता है, और ये काफ़ी ख़राब किस्म का आदमी होता है। ये क्या करता है, लड़कियों को फंसाता है अपने जाल में और सबसे प्यार का नाटक करता है, और इसका मेन मोटिव सिर्फ यहाँ पे उनका बॉडी को यूज़ करना होता है। फोर्थ कैरेक्टर जो है यहाँ पे वो है विलियम बोलवुड। विलियम बोलवुड की बात की जाए तो विलियम बोलवुड जो है वो एक अच्छा खासा 40 साल का एक आदमी होता है जो एक फार्म को ओन करता है और एक बहुत ही हैंडसम बैचलर होता है। लास्ट कैरेक्टर जो है यहाँ पे वो है फैनी रॉबिन। तो फैनी रॉबिन जो है वो एक सर्वेंट गर्ल होती है, यानी वो बादशाह एवरडनी के यहाँ पहले काम किया करती थी, और फ्रैंकिस ट्रॉय जो है यहाँ पे वो इससे शादी करने वाला होता है। बट जिस दिन मैरिज होने वाला होता है इन लोगों का, उसी दिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से इन लोगों का मैरिज नहीं हो पाता है और फ्रैंकिस ट्रॉय इसे छोड़ देता है। तो स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि गैब्रियल ओक नाम का एक आदमी जो एक यंग शेफर्ड होता है वो अपने ज़िंदगी की सारी कमाई से और एक लोन लेकर वो एक फार्म को एस्टैब्लिश कर लेता है वहाँ पे। और तभी क्या होता है, उसके पड़ोस में एक लड़की आती है बादशाह नाम की जो कि उससे 8 साल छोटी होती है और वो काफ़ी खूबसूरत होती है। तो वो अपने आंट से, मिसेस हर्ष नाम की आंट से मिलने वहाँ आई होती है। तो ये लोग जो है कुछ दिनों बाद दोस्त बन जाते हैं, और एक दिन क्या होता है बादशाह इसकी जान भी बचाती है गैब्रियल ओक की उसकी झोपड़ी में। तो तब इसे क्या लगता है गैब्रियल ओक को कि इसे जाकर बादशाह को प्रपोज करना चाहिए मैरिज के लिए। और जब गैब्रियल ओक वहाँ जाता है तो बादशाह जो है इसे रिजेक्ट कर देती है, और इसे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। और बादशाह क्योंकि उसे मना करती है क्योंकि उसे अपना आज़ादी और इंडिपेंडेंस ज़्यादा प्यारा होता है यहाँ पे। और कुछ समय बाद गैब्रियल ओक की जो कंडीशन होती है वो पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो एक नया डॉग को लेके आया होता है अपना शीप को ध्यान रखने के लिए, और उसके डॉग की गलती की वजह से उसकी जितनी भी शीप्स होती हैं वो सब पहाड़ से गिर जाती हैं और उसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और तब गैब्रियल को अपने सारी जायदाद को बेचकर उससे जो उसने लोन लिया होता है उसे चुकता करने के लिए उसे सब कुछ बेचना पड़ता है, और ये सब करने के बाद उसके पास कुछ नहीं बचता है। और आगे वो पैसों के लिए नौकरी की तलाश करता है, और वो एक जगह से दूसरी जगह तक भटकता रहता है। पहले तो वो कैस्ट्रो ब्रिज जाता है, फिर वह शॉर्ट्स फोर्ट जाता है, और लास्ट में वो वेदरबड़ी पहुंचता है। अब जब वेदरबड़ी पहुंचता है तो वो देखता है कि एक खेत में के फसलों में आग लग गई है। तो वो लोगों की मदद लेकर फसल की आग को बुझा देता है, और वो उस जगह की मालकिन से जब मिलता है तब वो पूछता है कि क्या मुझे यहाँ काम मिलेगा। उसके मालकिन जो है अपने चेहरे पर से नकाब हटाती है और बोलती है ठीक है। तब वो देखता है कि वो जो औरत होती है वह बादशाह ही होती है। अब बादशाह को ये जायदाद कैसे मिली, क्योंकि जब बादशाह के अंकल जो होते हैं वो उनकी डेथ हो चुकी होती है और इसे इसकी विरासत में मिलती है ये पूरी प्रॉपर्टी। और बादशाह जो है वो इस बिज़नेस में नहीं होती है तो उसे कोई चाहिए भी होता है, तो उसने गैब्रियल ओक को अपने हेल्प के लिए रख लिया वहाँ पर। तभी कुछ दिनों बाद बादशाह अपने एक नए पड़ोसी विलियम बोलवुड से एक मजाक के तौर पे उसे एक वैलेंटाइन कार्ड पर मैरी में लिख देती है। अब बोलवुड बहुत ही सीरियस टाइप का आदमी होता है। अब वो पहले तो बादशाह के लिए उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होता है, बट बाद में जब ये लेटर देखता है उसमें जिसमें लिखा होता है मैरी में, तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है इस बात को लेकर, और वो बादशाह को इस तरह आता है प्रपोज करने के लिए। पर बादशाह जो है इस बात को टाल देती है कि वो बाद में सोचेगी इस बात को। तो
जब ये बात गैब्रियल ओक को पता चलती है तो गैब्रियल ओक बोलता है तुम्हें किसी के फीलिंग से ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें सीधे सीधे बात कर बोल देना चाहिए थी। तो बादशिबा को गुस्सा आता है ये बात सुनकर और वो उसे काम से निकाल देती है। कुछ दिनों बाद बादशिबा के जो शीप होते हैं उनको कुछ बीमारी लग जाती है। अब पहले तो बादशिबा की ईगो की वजह से वो गैब्रियल से हेल्प मांगने नहीं जाती है, बट लास्ट में उसे जाना ही पड़ता है और गैब्रियल ओक आकर सब कुछ ठीक कर देता है और इन लोगों की जो फ्रेंडशिप होती है वो वापस से रिस्टोर हो जाता है। तो तभी क्या होता है, एक तीसरे लवर की एंट्री होती है। अब इस तीसरे लवर का नाम होता है फ्रैंकिस ट्रॉय। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था इसका पूरा नाम सर्जेंट फ्रैंकिस ट्रॉय है। तो ये भी बादशिबा को पसंद करने लग जाता है और बादशिबा जो है इसे स्टार्टिंग में पसंद नहीं करती है, बट जब ये अपना स्किल्स दिखाता है तलवारबाजी का, घुड़सवारी का और इसे प्यार भरी बातें करता है तो बादशिबा का नफरत जो है वो प्यार में बदल जाता है। और जब ये बात गैब्रियल को पता चलती है तो गैब्रियल जो है उसको बोलता है कि इससे अच्छा तो तुम बॉलीवुड से शादी कर लेते, क्योंकि गैब्रियल को पता है कि इसका असली कैरेक्टर किस तरह का है और ये किसी से प्यार नहीं करता। और फिर बॉलीवुड को भी पता चल जाता है तो वो काफ़ी गुस्सा होता है इस बात को लेकर और बदला लेने के सोचता है इस बात के लिए। जो है वेदरबरी छोड़कर बात नाम के शहर पे चली जाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अगर वो यहाँ रहेगी तो ट्रॉय उससे मिलने आएगा और फिर ट्रॉय के जानो खतरा है बॉलीवुड से, तो वो बात में चली जाती है। और वहीं तभी बात में क्या होता है, बात में ट्रॉय जो है इसे शादी के लिए मना लेता है और इन दोनों को शादी हो जाती है। जब ये लोग वापस आते हैं तो ट्रॉय जो है उसको बॉलीवुड जो है काफ़ी ज़्यादा पैसे के ऑफर करता है और बोलता है कि तुम बादशिबा को छोड़ दो। तो ट्रॉय भी बोलता है मेरी तो शादी ऑलरेडी हो गई है, तो इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ये बात सुनकर। और कुछ दिनों बाद फिर बादशिबा को पता चलता है कि ट्रॉय जो है वो एक जुआड़ी है और इससे फार्मिंग में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ये सब प्यार भी नहीं करता। असल में ये जो है फैनी नाम के लड़की से प्यार करता है। फैनी वही लड़की होती है जो पहले गैब्रियल ओक के आने से पहले बादशिबा की सर्वेंट हुआ करती थी, उससे प्यार करता था। पर जिस दिन इन लोगों की शादी होने वाली थी उस दिन ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ये दूसरे चर्च में चली गई थी ये लड़की। तो अब दूसरे चर्च में जाने की वजह से इसकी शादी नहीं हो पाई और ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से फ्रैंकिस ट्रॉय ने इससे शादी करने से मना कर दिया। और अब फ्रैंकिस ट्रॉय को पता नहीं होता कि ये लड़की जो है प्रेग्नेंट थी और उसे छोड़ देता है। अब बाद में कुछ दिनों बाद फ्रैंकिस ट्रॉय और बादशिबा जब जा रहे होते हैं एक तरफ रास्ते में तो इसे फैनी दिख जाती है। फैनी की कंडीशन बहुत ख़राब है और वो काम पर जा रही होती है, तो ये उसे कुछ पैसे देता है और बोलता है कि पर कुछ दिनों बाद मैं आके तुम्हें और पैसे दूंगा। पर जब ये काम पे जा रही होती है तभी इसका इसका डेथ हो जाता है चेक डिलीवरी करते वक्त, और इसकी डेड बॉडी को एक कॉफिन में डालकर वेदरबरी पहुंचा दिया जाता है, बादशिबा के घर में पहुंचा दिया जाता है। और जब ट्रॉय कैस्टर बीच पहुँचता है उससे मिलने के लिए फैनी से, तो उसे पता चलता है कि इसका डेड हो चुका है और इसका बॉडी जो है यहाँ पर रखा हुआ है बादशिबा के घर में। तो जब ये बात फ्रैंकिस ट्रॉय को पता चलता है कि फैनी रॉबिन का जो डेड बॉडी है वो वेदरबरी पहुंचा दिया गया है, तो वो भी वेदरबरी की तरफ आता है और वो और फैनी रॉबिन को देखता है, उसे सर को चूमता है और कहता है दिस वुमेन इज़ मोर टू मी डेड एज शी इज दैन एवर यू वेयर और आर और कैन बी, और सारी बातें एक्सप्लेन करता है बादशिबा को। तो दूसरे ही दिन ये एक सारे अपने सारे पैसे को लगाकर एक मार्बल खरीदता है और तब वो उस मार्बल पर लिखवाता है इरेक्टेड बाय फ्रैंकिस ट्रॉय इन बिलव्ड मेमोरी ऑफ फैनी रॉबिन, और वह दुख मनाते हुए आगे चला जाता है और सोचता रहता है उस बात को लेकर। और तब वह चलते चलते एक समुद्र के पास पहुंच जाता है और अपने सारे कपड़े को खोलकर उसमें नहाने लग जाता है, और तभी बहुत तेज़ लहर आकर उसको लेके चली जाती है तो वो डूब जाता है। पर कुछ समय बाद उसे कुछ नाव के लोग उसे बचा लेते हैं। अब लोगों को लगता है कि ये मर गया है, तो एक साल हो चुका है और जो फ्रैंकिस ट्रॉय है वो लौटा नहीं, तो वो ट्रॉय जो है उसको चांस मिल जाता है और वो उसको फिर से प्रपोज करता है बादशिबा को। तो बादशिबा जो है अब वो सोचती है कि मैंने इसको काफ़ी दिन तक इसको इस तरह से लटका कर रखा है, तो अब वो ना चाहते हुए भी इसे शादी करती है और वो बोलती है कि जब तक गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं मिल जाता ऑफिशियली वो लोग शादी नहीं करेंगे। तो 6 साल हो जाता है और फिर फाइनली जब वो लोग शादी करने वाले होते हैं तब क्रिसमस ईव को ट्रॉय आ जाता है और ट्रॉय जो है बादशिबा को बोलता है चलो यहाँ से, तो वो जब मना कर देती है तो उसे हाथ पकड़ लेता है और ये देखकर बॉलीवुड को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे गोली से मार देता है।
तो और खुद को भी मारने की कोशिश करता है, तो उसे फांसी की सजा होती है। पर बॉलीवुड का फ्रेंड उसे बोलता है कि ये अपने होश हवास में नहीं है, ये ऐसा मानसिक संतुलन का ठीक नहीं है, तो उसके उम्र कैद की सजा मिल जाती है। और तब ये सबको कोसती है कि इसके वजह से फ्रैंकिस ट्रॉय का डेथ हुआ, इसकी तरह वजह से फैनी रॉबिन्स का डेथ हुआ, और फैनी रॉबिन के ही कफन में ट्रॉय का कफन भी डाल दिया जाता है डेड बॉडी को। और फाइनली लास्ट में इसे याद आता है गैब्रियल ओक का, तो गैब्रियल ओक जो है इसे नोटिस देता है कि ये नौकरी छोड़कर जा रहा है। तो बाथशीबा उसके वहाँ पहुँचती है और पूछती है कि तुम नौकरी छोड़कर क्यों जा रहे हो, तो गैब्रियल ओक बोलता है कि लोग हम दोनों का नाम एक साथ जोड़ के तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तभी बाथशीबा बोलते हैं कि इट इज़ टू एब्सर्ड टू सून टू थिंक ऑफ बाई फार, इतनी जल्दी इतना कुछ सोचना ठीक नहीं है। और तब ये सब सुनकर गैब्रियल जो है फिर से उसे लास्ट में एक बार पूछता है कि क्या तुम उसे शादी करोगी, और फाइनली इसका और गैब्रियल का शादी हो जाता है बादशाह और गैब्रियल का, और इस तरह से स्टोरी का जो एंड हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, और आप बताएं मुझे कि आपको अगले वीडियोस किस तरह के चाहिए, तो मैं उस पर अपलोड करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।